नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पार्थ, में सर्टिफाइड DMIT काउंसलर एंड ट्रेनर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल माइंड शेप में। दोस्तों, आप सभी ने मेरी एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और आप बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त थे जो मेरी एक्सरसाइज को, यानी मेरे जो कई वीडियोज़ है उसमें से इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इस वीडियोस को देख भी रहे हैं, पर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको मेरे इस चैनल से कुछ नया और आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रही है, आप यहाँ से कुछ नया सीख रहे हैं, तो मैं आपने कहना चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने लेवल 1 को कंप्लीट कर दिया है, अब हम चले गए हैं लेवल 2 की ओर, जहाँ पे हम थोड़ा सा मिड ब्रेन एक्टिवेशन को बेसिकली सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। लेवल 2 की शुरुआत हमने द रोलिंग फिंगर एक्सरसाइज से की थी, जहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से रोलिंग फिंगर वाली एक्सरसाइज आपको सिखाई थी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक चैलेंज वीडियो दी थी रैबिट्स ईयर्स करके, जहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से मिड ब्रेन एक्टिवेशन की एक्सरसाइज की थी। तो ये जो ब्रेन जिम एक्सरसाइज है वो मैंने कुछ इस तरीके से एक चैलेंज दिया था। बहुत लोगों को ये चैलेंज थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगा होगा, तो मैं उन दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि अगर ये वाली जो चैलेंज आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, तो पहले आप लेवल 1 को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपने लेवल 1 से अगर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की होगी, फिर आप लेवल 2 की ओर बढ़ सकते हैं। तो लेवल 2 की सबसे आसान एक्सरसाइज है, अगर आपने लेवल 1 को कंप्लीट कर दिया है तो कोई बात नहीं। अगर आपको ये चैलेंज मैंने जो दी थी रैबिट्स ईयर्स करके, अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगी है, तो मैं यहाँ पे आपको इस चैलेंज की प्रैक्टिस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज को हमें प्रैक्टिस करना है। सो दोस्तों, अगर आपको लेवल 1 की एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने ऊपर दिए गए आई बटन पर एक लिंक दी है, जहाँ से आप मेरी ब्रेन जिम एक्सरसाइज की लेवल 1 की प्रैक्टिस कर सकते हैं, शुरुआत से लेके, यानी स्टार्टिंग से लेके। तो यहाँ तक आप आराम से पहुँच सकते हैं, यहाँ तक आप आसानी से एक्सरसाइज में आ सकते हैं। बहुत छोटी छोटी वीडियो है जहाँ से आप एक्सरसाइज को ढंग से सीख पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस के साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं इस एक्सरसाइज की आपको बेनिफिट बताने वाला हूँ। रैबिट्स ईयर्स बेनिफिट। आप सभी ने बचपन में एक कार्टून देखा होगा जिसका नाम है बग्स बनी। बग्स बनी एक कार्टून कैरेक्टर है जो लूनीटून शोज में आता था। बग्स बनी वो कुछ ऐसा कैरेक्टर था, उसके पास एक एबिलिटी थी, वो जब भी किसी डिफ़िकल्ट टास्क में या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाता था, तब उसके कान हिलने लगते थे और वो फटाक से स्मार्टली आइडिया निकाल के उस डिफ़िकल्ट टास्क में से मूव ऑन हो जाता था। ये जो रैबिट्स ईयर्स एक्सरसाइज है, इसमें भी कुछ इस तरीके से है। तो इस एक्सरसाइज से, यानी रैबिट्स ईयर्स एक्सरसाइज से, आप अपने डिफ़िकल्ट टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और दूसरा ये कि आपकी जो लॉजिकल एबिलिटी है, यानी कि आपके ब्रेन में जो लॉजिकल फंक्शन है, वो आप उस एबिलिटी को ज़्यादा एनहेंस कर पाएंगे। यानी कि किसी भी सिचुएशन में आप लॉजिकली सोच के, लॉजिकली उस पहलू को समझ के, आप उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मूव ऑन हो सकते हैं। जैसे कि बग्स बनी स्मार्टली मूव ऑन हो जाता है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से, वो निकल आता है झट से। और दूसरा ये, इस एक्सरसाइज की डेली प्रैक्टिस से आप इसका प्रभाव अपनी स्टडी में भी देख सकते हैं। किस तरीके से? स्टडी में आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप जब आपको प्रैक्टिस सिखाऊंगा इसकी, उसमें आपको बताऊंगा कि किससे इसका, इसमें से आपका कंसंट्रेशन और फोकस इंक्रीज होगा और ये चीज़ आपको अपने स्टडी में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगी। सो गाइज, अब यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, रैबिट्स ईयर्स की प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, आप सभी को पता है एक्सरसाइज की स्टार्टिंग हम किस तरीके से करते हैं और फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा। हमें इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, हमें अपने मोबाइल को ढंग से एक जगह के एक स्थान पर रख देना है, उसके सामने इस तरीके से खड़े होकर अपने हाथों की पोजीशन बना के इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद चलते हैं हम स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2,
स्टेप टू में हमें अपने हाथों की पोजीशन कुछ इस तरीके से सेट करनी है। गुड, आई होप आप सभी ने इस एक्सरसाइज को अच्छे से किया होगा, इस प्रैक्टिस को अच्छे से किया होगा, इस स्टेप को। अब चलते हैं स्टेप थ्री की ओर। स्टेप थ्री, स्टेप टू में हमने कुछ इस तरीके से पोजीशन बनाई थी। स्टेप थ्री में हमें राइट हैंड से इस प्रैक्टिस की शुरुआत करनी है, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की शुरुआत करनी है। तो हमारा जो राइट हैंड है, यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से टू बनाना है। तो हम इसकी तीन बार प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकंड फिंगर को ओपन करना है और टू बनाना है। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं तीन बार। वन टू थ्री, गुड। अब हमें क्या करना है, हमने राइट हैंड की प्रैक्टिस कर ली, अब हम लेफ्ट हैंड में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें टू बनाना है, पर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड की जो मिडल फिंगर है और उसके बाद वाली जो रिंग फिंगर है, उस दोनों को हमें ओपन करना है। तो हम इसकी तीन बार प्रैक्टिस करते हैं, पर उसके पहले हम जो हमारा राइट हैंड है उसको हम पीछे रख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिक्कत ना हो इसलिए। तो हमें अपने लेफ्ट हैंड पर कॉन्सेंट्रेशन रखना है और वहाँ पे देखना है कि कौन सी फिंगर हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मिडल फिंगर और उसके बाद वाली जो रिंग फिंगर है उसको एक ही साथ ओपन करके टू बनाना है। इसकी हम तीन बार प्रैक्टिस करते हैं। एक दो तीन, गुड। यहाँ पे छोटी मोटी हमें दिक्कत होगी कि अब जब हम यहाँ पे ओपन करेंगे हमारी फिंगर, तो दूसरी जो आजू बाजू वाली फिंगर है, आसपास वाली फिंगर है, वो भी ओपन हो जाएगी। पर कोई बात नहीं, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको आसानी से आ जाएगी। गुड, तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। अब दोनों हैंड की एक्सरसाइज को एक साथ हम करेंगे, दोनों हैंड की प्रैक्टिस को। तो यहाँ पे हम दोनों हैंड की प्रैक्टिस करते हैं, पर इसकी सात बार हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा, हम आसानी से और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस एक्सरसाइज को कर पाए, इसकी प्रैक्टिस कर पाए। चलिए हम प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, नाइस। आप जब भी इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब आपको देखना है गौर से कि आप अपनी हैंड की मूवमेंट अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं। आप कौन सी वाले हैंड में कौन सी फिंगर को ओपन कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे मैंने दो उंगलियों को ओपन किया है, तो कौन सी फिंगर को ओपन किया, तो मिडल फिंगर है और रिंग फिंगर, दोनों को यहाँ पे मैंने ओपन। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना है और साथ में अपना फोकस भी देना है। दोनों हाथ में भी ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे आपने दो किया, यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से दो किया है, तो दोनों में आपको फोकस बना के, कॉन्सेंट्रेशन बना के इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, आप यहाँ से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी कॉन्सेंट्रेशन और आपकी जो फोकस बढ़ाने की, इसका सीधा इम्पैक्ट आपको अपनी स्टडी में दिखाई देगा। अब हमें करनी है स्टेप फोर की एक्सरसाइज। स्टेप फोर में क्या करना है, हमें जो इस तरीके से एक्सरसाइज की थी उसका हमें सीधा ऑपोजिट करना है, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या करना है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकंड फिंगर को लेके इस तरीके से दो बनाना है। ओके, तो इसकी हम तीन बार प्रैक्टिस करते हैं। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। वन टू थ्री, गुड। ये बहुत आसान था, पर यहाँ पे हमें राइट हैंड में भी इस तरीके से दो बनाना है। पर यहाँ पे क्या किया मैंने, हमारी जो मिडल फिंगर है राइट हैंड की और रिंग फिंगर, इस दोनों को एक साथ ओपन करना है। डिफ़िकल्टी ना हो इसीलिए हमें एक हाथ को पीछे रख देना है। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड को यहाँ पे पीछे रख दिया है और राइट हैंड में मैंने कुछ इस तरीके से दो बनाया। पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ फोकस बना के हमें दोनों फिंगर को ओपन करना है। तो इसकी हम तीन बार प्रैक्टिस करते हैं। एक दो तीन, गुड। अब हमें दोनों हाथों की प्रैक्टिस को एक साथ करना है, तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं सात बार। यहाँ पे भी हमें कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के साथ दोनों फिंगर की एक्सरसाइज करनी है, दोनों हाथों की फिंगर की एक्सरसाइज करनी है। तो हम इसकी सात बार प्रैक्टिस करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, नाइस।
आई होप आपने इस एक्सरसाइज को यहाँ तक अच्छे से और बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस की है। अब हम चलने वाले हैं स्टेप 5 की ओर। स्टेप 5 में हमें क्या करना है, हमने जो स्टेप 3 किया था और स्टेप 4 किया था उसका हमें एक दूसरे के बाद रिपीट बाय रिपीट इसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ इस तरीके से पहले स्टेप 3 करना है, उसके बाद स्टेप 4 करना है, फिर से स्टेप 3 करना है, उसके बाद स्टेप 4 करना है। पर हाँ, यहाँ पे हमें देखना है स्टेप 3 करने के बाद हमारी सारी फिंगर क्लोज होनी चाहिए, फिर स्टेप 4 आना चाहिए, फिर से इस फिंगर को क्लोज कर देना है और फिर स्टेप 3। इसकी स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिस करेंगे और इसको दोहराते रहेंगे। इसकी भी हम 7 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नाइस। मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले स्टेप 3 किया, उसके बाद स्टेप 4 किया, फिर से स्टेप 3 किया, उसके बाद स्टेप 4 किया। अगर आपको स्टेप 3 और स्टेप 4 दोनों में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आप स्टेप 3 की एक्सरसाइज कीजिए 7 बार, उसके बाद आप स्टेप 4 की एक्सरसाइज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और आपको पता चलेगा कि पहले स्टेप 3 करना है, उसके बाद स्टेप 4 करना है, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी रैबिट सीएस करके जो रेंजिंग एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चे को ब्रेन जिम एक्सरसाइज का पूरा कोर्स करवाना चाहते हैं तो इस पूरा कोर्स का नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। जो ब्रेन जिम एक्सरसाइज है वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एक पार्ट है, जहाँ पे आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का पूरा कोर्स सीख पाएंगे अपने घर के अंदर ही अपने मोबाइल के थ्रू। ये पूरा कोर्स ई कोर्स है, यानी कि ऑनलाइन कोर्स है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आपको मेरी एप्लीकेशन यानी कि माइंड शेप की एप्लीकेशन मिलेगी। वहाँ से आप मेरे मिड ब्रेन एक्टिवेशन के कोर्स को आसानी से एनरोल कर पाएंगे। गाइस, अगर आपको इस वीडियो में से कुछ वैल्यूज़ मिल रही है तो आप इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए और उसका भी ब्रेन पावर को एनहेंस कीजिए। और दूसरा ये कि अगर आपको इसमें से कुछ वैल्यूज़ मिल रही है, आप मुझे सपोर्ट देना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको मैं डेली नोटिफिकेशन के थ्रू आपके साथ मिलता रहूं। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक यू।